मेरा नाम राजेश प्रजापति है, मैं वार्ड नंबर 8 झिलमिला में रहता हूँ, सरायपाली। यहाँ अग्रवाल नर्सिंग होम आप किस वजह से आए हैं? मेरे बच्चे को, एक साल का बच्चा था, मेरे बच्चे को बिच्छी काट दिया था, बिच्छी का डंक लग गया था, मेरे बच्चे का सांस वांस लेने में बहुत तकलीफ बढ़ गया था, शुगर बीपी सब हाई हो गया था, अंटीनेटर मशीन में डॉक्टर साहब डाले और बच्चे को लाते ही तुरंत इलाज के लिए ले गए। मेरा बच्चा ठीक है, 7 दिन लग गया और आज हमारा डिस्चार्ज छुट्टी हो रहा है। अभी जिस प्रकार हम जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, ये मात्र 1 साल का बच्चा था और इसे काफ़ी गंभीर समस्या, सांस की समस्या से तकरीबन 4 दिन पहले हॉस्पिटल में ICU में एडमिट कराया गया। बच्चे के जो पिताजी थे उन्होंने बताया कि कुछ 1 घंटा पहले बच्चे को बिच्छू ने काटा है और उन्होंने साथ प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है। देखने के बाद हमने जब जांच करके पाया कि बिच्छू काटने के जितने भी लक्षण होते हैं उस बच्चे में मौजूद थे, जैसे कि पसीना आना, बच्चे का अत्याधिक रोना, बीपी का बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना और सांस की तकलीफ होना। तत्काल बच्चे की स्थिति को देखते हुए हमने उसको वेंटिलेटर पर रखा। वेंटिलेटर में रखने के बाद 2 से 3 दिन में धीरे धीरे वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया, शुगर कंट्रोल किया गया, बीपी कंट्रोल किया गया। लगभग 4-5 दिन के अथक प्रयास के बाद ये बच्चा आज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर जा रहा है। इसमें संदेश ये है कि छोटे बच्चों को खासकर झाड़ी वाली जगह में ना रखें, ज़मीन पर ना सुलाएं। रात के समय अचानक यदि बच्चा रोता है तो हमेशा संभावना रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ काटा होगा। जिस प्रकार सांप के लिए एंटीडोट, जो एंटी स्नेक विनम उपलब्ध है, लेकिन बिच्छू काटने के लिए ऐसा कोई एंटीडोट उपलब्ध नहीं है। केवल लक्षण के आधार पर दवाई के भरोसे वेंटिलेटर की सहायता से हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं, यदि समय रहते मरीज अस्पताल पहुंच जाए तो। बहुत बार देखा गया कि मरीज जो हैं, परिजन झाड़ फूँक के चक्कर में फंस के कि ठीक हो जाएगा और बहुत देरी करके लाते हैं, जिस समय मरीज को बचाना मुश्किल होता है। तो मेरा सलाह यही है कि जल्द से जल्द, जब कभी भी सांप बिच्छू या ऐसा कीड़ा काटे जिससे मरीज को परेशानी हो रही है, तत्काल में नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल तुरंत लेके जाए, बिना देरी करे। धन्यवाद।